एवरीवन, मैं सृष्टि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज आप लोग फटाफट इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम आप लोगों के लिए लेके आए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो कि आप लोग देख सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। लैपटॉप फॉर बीसीए, मतलब जो बीसीए के स्टूडेंट्स हैं क्या उनके लिए लैपटॉप लेना जरूरी है या नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि क्या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, क्या बजट में होना चाहिए। तो ये सारी चीजों के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, लैपटॉप फॉर बीसीए। ओके, तो क्या बजट होना चाहिए लैपटॉप का, ये जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि मैं बीसीए कर रहा हूँ। वैसे तो आजकल लैपटॉप की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप चाहे बीसीए कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन लैपटॉप की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आप कहीं भी जॉब करेंगे, चाहे वो आप स्टडी कर रहे हो, मतलब डेली लाइफ के लिए आपके यूजेस के लिए लैपटॉप की क्या रिक्वायरमेंट है, और क्या अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो सारी चीजें, मतलब बजट क्या होना चाहिए, कि बहुत ज्यादा हाई भी बजट होता है, बहुत लो भी होता है। तो इन सारी चीजों के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं तो वो कौन सा ऐसा लैपटॉप ले जिससे उनकी स्टडी भी हो सके और कम से कम प्राइस में कितना बेस्ट लैपटॉप ले सके, वो सारी चीजें हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो विच लैपटॉप यू शुड बाय फॉर बीसीए इन 2024। तो क्या जो हम लैपटॉप लेंगे उसको क्या बजट होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यूज ऑफ लैपटॉप इन बीसीए कोर्स, अगर कोई बच्चा बीसीए का कोर्स कर रहा है तो उसमें लैपटॉप की क्या रिक्वायरमेंट है, कि किस लिए हम बीसीए, मतलब किस लिए हम लैपटॉप ले, उसमें बीसीए का क्या यूज है। जैसे हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो आगे मैं आपको सारी डिटेल शेयर करूंगी, बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अगर बीसीए पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए लैपटॉप के क्या यूज है उनको भी पता हो सके। ओके, नंबर वन आपका आ जाता है असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट, यानी अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं, ये बीसीए के लिए बता रही हूँ कि जो बच्चा बीसीए कर रहा है उनके लिए लैपटॉप की क्या रिक्वायरमेंट, वो लैपटॉप ले तो वो किसका क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे नंबर वन पे आपका आता है असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट में जैसे आप असाइनमेंट बनाना चाहे अपना तो बहुत ही अच्छा आपके लिए लैपटॉप का है, क्विज पीपीटी वगैरह बनाने के लिए आपका लैपटॉप, अटेंडेंस के लिए भी आप लैपटॉप ले सकते हैं, अटेंडेंस का भी वर्क उसमें कर सकते हैं। यूट्यूब लर्निंग, अगर आप यूट्यूब पे स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका लैपटॉप, क्योंकि फोन आप ले रहे हैं, फोन में आपको थोड़ा जो स्क्रीन साइज होती है वो छोटी होती है, थोड़ा सा आंखों को प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप लैपटॉप ले लेंगे तो आप दूर से भी बैठ करके उसको देख सकते हैं और काफी अच्छे से क्लियरिटी से आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो यूट्यूब लर्निंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। ऑनलाइन कॉलेज, अगर आप ऑनलाइन कोई भी मतलब साइट वगैरह है अगर आपको देखना है तो वहां पे भी, मतलब ऑनलाइन जो भी वर्क करना हो आप घर बैठे भी आप कर सकते हैं, वर्क ऑन होम कोई भी अगर कर रहे हैं तो लैपटॉप के जरिए से आप कर सकते हैं। वैसे भी आजकल लैपटॉप की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। पोर्टल अगर आपको बनाना है तो इसके लिए भी लैपटॉप का बहुत ज्यादा यूजेज होता है। तो नंबर वन में ये सारी चीजें आती हैं कि आपको असाइनमेंट, क्विज, पीपीटी वगैरह बनाना हो गया, अटेंडेंस हो गया, यूट्यूब पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये सारी चीजों के लिए। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप लोगों के पास पहुंच सके, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत ना हो। तो प्लीज आप लोग जुड़े रहिएगा। नंबर टू पे आपका आ जाता है प्रोग्रामिंग। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि प्रोग्रामिंग, जो भी स्टूडेंट्स बीसीए कर रहे हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, लैपटॉप लेने से उन्हें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे कि आप अगर प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो आपका सबसे पहले आता है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो, इसमें आपको कोडिंग करना होता है तो कोडिंग करने के लिए आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि मैं बीसीए कर रहा हूँ क्या मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही लैपटॉप लेना जरूरी है, तो डियर आप लोग को ऐसा नहीं कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो ही आप लैपटॉप लें। अगर आपके पास बजट है, अगर है तो ठीक है ले लीजिए, अगर नहीं है तो कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से फर्स्ट सेमेस्टर को आराम से पढ़ सकते हैं। आप सेकेंड सेमेस्टर में इनरोल करते हैं तब भी आप लैपटॉप ले सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही लैपटॉप, लेकिन हाँ लैपटॉप आपके पास होना चाहिए,
क्योंकि आज के जनरेशन में लैपटॉप का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, आपके जितने भी वर्क होते वो लैपटॉप पीसी इन्हीं सारी चीजें होती, इसलिए आपके पास लैपटॉप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट आपका हो गया ना सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, यानी कोडिंग करने के लिए हमें लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। हम अगर हमारे पास अच्छा लैपटॉप होगा तो मैं उसमें अपनी कोडिंग अच्छे तरीके से कर पाऊंगी, इसलिए जो होता है हमें लैपटॉप की जरूरत होती है। आपका सी लैंग्वेज होता है, सी लैंग्वेज के बाद आपका सी प्लस प्लस भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसमें थोड़ा सा आपको एडवांस कोडिंग वगैरह करना पड़ेगा। पाइथन आपका हो गया, पाइथन भी आपकी एक प्रकार की लैंग्वेज है, इसमें भी आपको सिखाया जाएगा, इसके लिए भी आपकी लैपटॉप की जरूरत। एचटीएमएल हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, एचटीएमएल आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी आप करके एक प्रकार की लैंग्वेज, मतलब ये प्रोग्रामिंग है, मतलब इन सारे में चीजों में आपको कोडिंग करना होता है। सीएसएस यानी कैश कैंडिंग शीट्स, ये जो आता होता है आपका, ठीक है। फिर जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, एटीसी, यानी इतने सारे आपके क्या होते हैं प्रोग्रामिंग होते हैं। इन सारी चीजों के लिए, इन सारी चीजों की कोडिंग करने के लिए हमारे पास अच्छे से अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। तो जब हमारे पास अच्छे लैपटॉप होंगे तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर पाऊंगी और अच्छे तरीके से हम लोग अपना कोडिंग कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूं, ताकि आप लोग उस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए। हाँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं जो मुझे ना समझ में आया हो इन सब सारी चीजों को लेकर के, तो आप लोगों को डियर परेशान नहीं होना है। आप लोग ऐप के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां पे हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके भी आपके जो भी डाउट होंगे आप पूछ सकते हैं, हम आपको वो चीज भी बता सकते हैं कॉल पे, या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। ओके, नंबर तीन पे आपको आ जाता है ऑनलाइन लर्निंग, यानी ऑनलाइन लर्निंग आपका हो जाएगा जिसमें आपका कॉम्पिटिशन्स हो गया। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिशन्स वगैरह की, तो आप वर्कशॉप कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन इवेंट्स, आपके कोई ऑनलाइन इवेंट्स वगैरह आपको कुछ भी करना है तो आप लैपटॉप के जरिए से वो सारी चीजें घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीजों के लिए भी लैपटॉप बहुत ज्यादा मस्ट है। ओके, आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ। नंबर फोर पे आपका आता है पर्सनल यूज। आजकल हम अगर बात करेंगे पर्सनल यूजेस के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए भी लैपटॉप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आपका मन कर आप उसमें मूवी भी देख सकते हैं, आप उसमें गेमिंग भी कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा लैपटॉप लें जिससे हमें सारी चीजें वहां पे मिल सके। तो आपका पर्सनल यूज के लिए, जैसे कि आपका गेमिंग आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे अगर आपको कुछ भी देखना है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। जो उसकी साइज होती है ना, स्क्रीन साइज बड़ी होती है, तो उसे देखने के लिए हमारे पास लैपटॉप है। फोन में तो हम लोग देखो, फोन तो बहुत सारी चीजें होती, लेकिन हमें क्या, अगर लैपटॉप हमारे पास होगा तो वो सारी चीजें और भी अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। फिर लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम देख लेते हैं उसका, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, रैम रोम क्या होना चाहिए उसका, उसका प्रोसेसर क्या होना चाहिए लैपटॉप का, तो ये सारी चीजें हम यहाँ जानेंगे। तो यहाँ पे है आपका कि लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, नंबर वन पॉइंट पे आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए लैपटॉप का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका सबसे पहले विंडोज 7 है, विंडोज 10 हो गया, विंडोज XP हो गया, एंड विंडोज 10। तो अभी क्या है, लेटेस्ट में आपका क्या है, विंडोज 10 चल रहा है, 7 के बाद क्या है, अभी विंडोज 10 चल रहा है। तो विंडोज 10 के ऊपर का, यानी कि आप विंडोज 10 भी ले सकते हैं, और भी आपका अगर बजट अच्छा है, आप और अच्छा लेना चाहते हैं कि हमें और भी बेटर लैपटॉप मिल सके, तो उसके लिए आप विंडोज 11 ले सकते हैं, अभी विंडोज 11 भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड नंबर पे आपका आता है रैम। रैम क्या होना चाहिए, रैम का फुल फॉर्म आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम क्या होना चाहिए लैपटॉप का, जैसे कि आपका मिनिमम जो है 8 GB का रैम होना चाहिए। 8 GB का रैम अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, इसके आगे भी आप ले सकते हैं। बहुत, जब आप कहीं जाएंगे लैपटॉप खरीदने किसी शॉप पे, या फिर कहीं पे ऑनलाइन विजिट कराते हैं, तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखे करेंगे, ताकि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत ना। ओके, थर्ड नंबर पे आपका आता है हार्ड डिस्क कैसा होना चाहिए, उसकी हार्ड डिस्क कैसी होनी चाहिए। तो हार्ड डिस्क आपकी दो टाइप की होती है, HDD एंड SSD होती है। तो SSD जो आपका फर्स्ट है, यानी अभी क्या लेटेस्ट में आपका जो SSD चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन आपका चल रहा है SSD, तो SSD आपका होना चाहिए। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, कहीं भी अगर आप लोग को डाउट होगा तो बिल्कुल हमें परेशान भी नहीं होना है। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने देखा कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, विंडोज 10 का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, विंडोज 10 के ऊपर भी आप 11 भी ले सकते हैं। आपका रैम जो होना चाहिए, मिनिमम आपका 8 GB का रैम होना चाहिए, एंड आपकी जो हार्ड डिस्क होनी चाहिए वो 2 टाइप की हार्ड डिस्क होती है, HDD एंड SSD।
एचएसडी जो है आपका वो फर्स्ट वर्जन था, लेकिन अभी लेटेस्ट में आपका जो चल रहा है बहुत ज्यादा एसएसडी चल रहा है। तो ये चीज हो गई, आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। एसएसडी इज फास्टर देन एचएसडी, मतलब एचएसडी से भी ज्यादा अभी क्या चल रहा है, एसएसडी की बहुत ज्यादा वो चल रही है, ठीक है। एचएसडी की, एचएसडी की मिनिमम आपकी 512 जीबी होती है और एसएसडी की मिनिमम शायद आपकी 256 जीबी की होती है। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया कि रैम, आपका रैम, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क क्या होती है, आपकी एसएसडी है, ये सारी चीज। फिर आपका इसका प्रोसेसर क्या होना चाहिए, अगर हम कोई लैपटॉप ले रहे हैं तो उसका ऐसा कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए जो ज्यादा अच्छा हो लैपटॉप के लिए। तो फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है डियर कि प्रोसेसर क्या होना चाहिए लैपटॉप का। तो एवं आपका i5 i5 and 6 जनरेशन का होना चाहिए, आपके जो प्रोसेसर होने चाहिए लैपटॉप के वो i5 and 6 जनरेशन का आपका क्या होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए लैपटॉप का। अगर आप कोई भी लैपटॉप लेते, इसके आगे का भी आप ले सकते हैं, 5th generation 6th generation जो भी, लेकिन एवब आपके होना चाहिए i5 का हो एंड 6th जनरेशन का आपका लैपटॉप होना चाहिए। आपके टू टाइप के आपके ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड भी इसमें यूज होते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड आपका होता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो होता है जिससे आप जैसे वीडियो एडिटिंग आप करना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, एंड कोडिंग अगर आपको करना है, मतलब इसके आगे के और भी जो सारे पॉइंट्स होंगे वो सारी चीज। मैंने आपको सिर्फ इस वीडियो में इतना बताने की कोशिश किया है कि अगर आप BCA कर रहे हैं या करना करने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं लैपटॉप लूं तो ऐसा कौन सा लैपटॉप लूं, तो अगर आपको ये थोड़ी बहुत चीजें पता होंगी, बाकी आप जब शॉप पे जाएंगे तो वहां पे भी और विजिट कर सकते हैं, जब थोड़ी बहुत चीजें आपको आइडिया होंगी तभी तो आप ले पाएंगे अच्छा सा अच्छा लैपटॉप और अपने वर्क को अपने स्टडीज को अच्छे से अच्छे कर पाएंगे लैपटॉप के थ्रू। तो ये सारी चीजें हो गई, आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन साइज क्या होनी चाहिए, अगर आप कोई लैपटॉप ले रहे हैं तो उसकी स्क्रीन साइज क्या होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है कि अगर आप स्क्रीन साइज थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन साइज लेंगे तो आपको देखने में, आपको कोडिंग करने में, आपको स्टडीज करने में आपको बहुत आसानी हो सकती है, इसलिए उसकी स्क्रीन साइज जो होनी चाहिए वो फुल साइज स्क्रीन लैपटॉप होना चाहिए आपका। ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ फुल साइज होना चाहिए ताकि मैं अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से, जो भी हमारी कोडिंग हो, चाहे वो सी लैंग्वेज की कोडिंग हो, C++ की कोडिंग हो, पाइथन हो, जावा हो, जो भी कोडिंग हो, उस कोडिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कर पाए, इसके लिए हमारी जो लैपटॉप की साइज होनी चाहिए वो फुल स्क्रीन साइज होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आता है डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट ब्रांड के लैपटॉप। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें ऐसा कौन सा लैपटॉप हम ले जो कि हमारे लिए वो यूजफुल हो। वैसे तो बहुत सारे लैपटॉप है, बहुत सारी कंपनीज के अच्छे से अच्छे लैपटॉप है, तो मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि ये 2-3 पॉइंट्स है जिसका लैपटॉप आप ले करके आराम से अपनी क्लासेस को बीसी के कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोई भी वर्क करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ आपका है डेल कंपनी का, अगर आप डेल कंपनी का लैपटॉप लेते हैं वो बहुत ही बेस्ट है। देन एचपी का लैपटॉप आप ले सकते हैं, लिनोवो का ले सकते हैं, एप्पल का ले सकते हैं, एसर का लैपटॉप ले सकते हैं, मतलब ये सारी कंपनी, इस सारी कंपनी के आप लैपटॉप ले सकते हैं बहुत अच्छे से अच्छा और बहुत ही बेस्ट से बेस्ट प्राइस में। आप इस कंपनी के लैपटॉप को लेकर के अपनी क्लासेस को कर सकते हैं बीसीए स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है कि प्राइस रेंज इन लैपटॉप, लैपटॉप की क्या प्राइस होनी चाहिए। ओके, तो प्राइस हम ज्यादा से ज्यादा आपका क्या प्राइस होनी चाहिए, आपके 40,000 से लेकर के 60,000 के रेंज में, मतलब इसके अंदर तक भी आप अच्छे से अच्छा लैपटॉप ले सकते हैं। ये मैंने बस आपको एग्जांपल दिया है कि इतने प्राइस, मतलब ये मैंने आपको बताया 40,000 से लेकर के 60,000 के बीच में आप अच्छे से अच्छा लैपटॉप ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो आई होप डियर कि आप लोगों को जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और हाँ, अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा तो बिल्कुल भी हम परेशान नहीं होंगे, हम वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने बताने की आज आपको कोशिश की थी कि ऐसा मैं कौन सा लैपटॉप, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि प्लीज आप हमें बताइए कि ऐसा कौन सा लैपटॉप ले, मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसा कौन सा लैपटॉप लूँ, उसके आपके क्या होते हैं, प्रोसेसर क्या होने चाहिए, रैम रोम क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आज इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश की हूँ। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो डियर प्लीज आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सारी के सारे स्टूडेंट्स को पता चल सके, जो लोग भी परेशान होते हैं कि मैं कौन सा ऐसा लैपटॉप लूँ,
जिसको लेकर के हम अपनी स्टडी को अच्छे से अच्छा कर पाए, ठीक है। और मैं आप लोग को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, एक शॉप है, मैंने उसका नाम सुना है, बहुत ट्रेंडिंग में है, कंप्यूटर बाजार करके, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा लैपटॉप लूं, वो भी कम से कम प्राइस में, तो ये शॉप जो है ओनली फॉर स्टूडेंट, मतलब कोई भी ले सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए ये शॉप है, मैंने इसके बहुत से नाम सुने हैं। तो आप जा करके वहां पे विजिट कर सकते हैं, कंप्यूटर बाजार नाम से आप इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे कंप्यूटर बाजार, तो वहां पे आपको मिलेगा। आप वहां पे देख करके भी उस शॉप पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा लैपटॉप मिलेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, अगर आप लोग कुछ भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हम आराम से इस आपके डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे अगर आप विजिट नहीं कर पाए तो मैं कुछ कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे भी आपको मेंशन करूंगी, आप आराम से यहाँ से भी हमें कॉन्टेक्ट करके इसके रिगार्डिंग यानी लैपटॉप के बारे में या किसी भी कोर्स के बारे में, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, ओ लेवल कर रहे हैं, डीसीए कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किसी भी रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप बेशक हमें कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं डियर। ओके, तो चलिए हम कुछ कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देते हैं, आप वहां पे जाकर के मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, डियर ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आई होप आप लोग को चीजें बहुत समझ, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, ताकि और भी अगर हम इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लाते हैं तो आप लोगों के पास वो पहुंच सके।